बुद्धि से जीने वाले लोग यहाँ ढेर हैं, लेकिन जो बुद्धि के साथ साथ हृदय से जीते हैं ऐसे लोग इस धरती पर बहुत कम हैं, और ऐसे लोगों के कारण ही ये धरती टिकी हुई है। तो मैं तो कहती हूँ, कभी कभी बुद्धि से मत सोचा करिए, दिल से सोचा करिए, हृदय से सोचा करिए। जिस दिन आप हृदय से सोचने वाले बन जाएंगे, उस दिन आप जान पाएंगे कि माँ किसे कहते हैं, उस दिन आप जान पाएंगे कि भगवान किसे कहते हैं, और क्या दुविधा है माँ की और भगवान की। और जिस दिन आप हृदय से जीने लगेंगे, उस दिन आप एक बहुत प्यारे इंसान बन जाएंगे, और इतने प्यारे इंसान बन जाएंगे कि आप आदि और अंत में समाये हुए परमात्मा को स्वीकार करने लगेंगे। बुद्धि नहीं स्वीकार कर सकती, बुद्धि काटेगी छांटेगी, बुद्धि कहेगी मैं तो राम जी को मानता हूँ, कृष्ण जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बुद्धि तो कहेगी मैं तो महादेव का भगत हूँ, मैं राधे राधे चौं बोलूं। लेकिन जो हृदय से जीता है वो तो राधे में भी उसी नूर को देख लेगा, शिव में भी उसी नूर को देख लेगा, हनुमान जी में भी उसी नूर को पहचान लेगा, राम जी में भी उसी नूर को पहचान लेगा, कृष्ण जी में भी उसी नूर को पहचान लेगा, माता रानी में भी उसी नूर को पहचान लेगा। और इन रूपों में उसको पहचानना आ गया तो सृष्टि के हर कण में परमात्मा को पहचान लेगा। सीता जी तिनका उठाकर दिखाती थी रावण को, ये तिनका, सीता जी धरती की बेटी है और वो तिनका धरती से पैदा हुआ है, तो स्वाभाविक है मेरा भाई है, तो तिनका उठाकर दिखाती है रावण को। और तिन तृणधारी ओट कहत बह देही, सुमेरी अवध पति परम स्नेही, सुन दस मुख दोत प्रकाशा, कबहु की नलनी करे ही विकासा। तो मंदोदरी कहती तिनका नहीं है, ये तिनका नहीं है, ये सीता जी का भाई है, और ये राम जी का अमोघ बाण है, ये महादेव की शक्ति है, ये जगदम्बा का खड़ग है, इससे मत टकराना, नहीं तो यही तुम्हारी गोविंदा नमो नमो हो जाएगी। और मंदोदरी की बात सुन रावण समझ के पीछे तुरंत पांव अपनी कर लेता है। जिस समय हम दिल से जीते हैं उस समय हर जगह परमात्मा दिखाई देते हैं, और जब परमात्मा दिखाई देते हैं तो आपके लिए परमात्मा ही कीमती हो जाते हैं, और परमात्मा से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता। आप भगवान के बदले में कुछ और नहीं चाह सकते हैं।